तो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल डायनेमिक नॉलेज गुरु पे। मेरा नाम है विकास और फ्रेंड्स, आज हम एक नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे जो मेमोरी टेस्ट था। मेमोरी टेस्ट जिसे स्मृति परीक्षण भी बोलते थे। इसमें पांच टाइप के क्वेश्चंस थे, पांचों टाइप के क्वेश्चन हम लोगों ने कर लिए हैं। तो फ्रेंड्स, पहला हमने किया था इमारत पर आधारित प्रश्न, अगला किया था पिक्चर पिक्चर टेस्ट या चित्र चित्र टेस्ट, उसके बाद हमने किया था ट्रैक मेमोरी टेस्ट, और उसके बाद किया था पिक्चर और नंबर का रिलेशन था वो टेस्ट किया था, लास्ट में एसोसिएशन टेस्ट किया था। तो फ्रेंड्स, जो लोग नए हो, आप लोगों ने अगर वीडियो नहीं देखे हैं तो उनका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, वहाँ से आप वो वीडियो देखिए। बहुत अच्छे तरीके से हम लोगों ने ट्रिक के माध्यम से अच्छे से डिस्कस किया था। तो फ्रेंड्स, आज हमारा जो सेकेंड बैटरी में जो एग्ज़ाम होगा, फॉलो डायरेक्शन, तो फॉलो डायरेक्शन पर आज हम करेंगे। फॉलो डायरेक्शन में क्या है फ्रेंड्स, यहाँ पर दो टाइप के क्वेश्चन हैं। एक तो ये टेबलर फॉर्म में है और दूसरा है वो जो घड़ी वाली डायरेक्शन दिखाता है, तो वॉच पे है। तो दो टाइप्स के देखेंगे। तो क्या कॉलम रो टेस्ट, ठीक है, इसमें क्या होगा, 10 क्वेश्चंस होंगे और क्वेश्चन 5 मिनट की टाइमिंग होगी, हमें 10 क्वेश्चन करने होंगे। तो फ्रेंड्स, इसमें क्या है कि हमें यहाँ पे एक मतलब निर्देश दिए गए हैं और यहाँ पे एक टेबल है। तो निर्देश हम लोग देख लेते हैं। नीचे दिए गए तालिका का अध्ययन करके निम्नांकित प्रश्नों का उत्तर अपने उत्तर पुस्तिका में दीजिए। तो मतलब ये जब ऑफलाइन पेपर था तब के अकॉर्डिंग, तो हम लोगों को क्या करना है, हमें तो ऑनलाइन पेपर देना है। इस बार कंप्यूटर पे पेपर होगा और इस बार फ्रेंड्स 30% मार्क्स होंगे वो साइकोलॉजिकल टेस्ट के ऐड होंगे, और 70% मार्क्स होंगे वो आपके होंगे जो आपका CVT 2A हुआ था उसके होंगे। तो फ्रेंड्स, अगर आपके CVT 2A में अगर कम नंबर आ रहे हैं तो ज़्यादा टेंशन लेने की बात नहीं है, आपको 30% में अच्छा स्कोर करना है, ठीक है फ्रेंड। तो स्टार्ट करते हैं। इसमें ऐसा नहीं है कि बहुत से लोगों को ये डाउट रहता है कि ये टेबल होगी वो हटा दी जाएगी, लेकिन ऐसा नहीं है। टेबल से देख के हमें क्वेश्चन करना, बिना टेबल के नहीं हो पाएंगे। तो यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे ये पंक्ति है, इसे रो इंग्लिश में बोलेंगे, और ये स्तंभ या कॉलम बोलेंगे, ठीक है फ्रेंड, कॉलम, और ये हो गई रो, ठीक है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे लिखा हुआ है कि पंक्ति 1, पंक्ति 2, पंक्ति 3, पंक्ति 4, पंक्ति 5, और यहाँ पे स्तंभ 1, 2, 3, 4, 5, ठीक है। अब फ्रेंड्स, मैं यहाँ पे एक बात बताना चाहूँगा कि यहाँ पे जैसे 10 क्वेश्चन है, तो सबसे पहले तो हमें ये देखना होगा कि जो पांच बैटरी में टेस्ट होगा तो इसमें 42% हर एक में लाना ज़रूरी है। और फ्रेंड्स, जैसा कि आप लोगों को पता होगा कि साइकोलॉजिकल टेस्ट में रिजल्ट है वो काफ़ी लो आता है, यहाँ पर 20-25% स्टूडेंट ही पास होते हैं। तो उसकी वजह यह है कि हमें थोड़ा स्मार्ट तरीके से पेपर को सॉल्व करना होगा, ठीक है। तो सबसे पहले जब 10 क्वेश्चन है तो 10 क्वेश्चन में सबसे पहला हमारा टारगेट होगा वो ये होगा कि 5 क्वेश्चन हम बहुत कम टाइम में और बिल्कुल सही कर दें, ठीक है। कोई भी क्वेश्चन ऐसा है जिस पे हम फंस रहे हैं, हम उसे बिल्कुल छोड़ेंगे, उसको हमें सीरियस नहीं लेना है कि हमें ये करके ही रहना, ऐसा कुछ नहीं करना। हमें दूसरा क्वेश्चन हो सकता है उससे बहुत ज़्यादा ईजी हो वो वाला करना है, अभी इन्हीं क्वेश्चनों में आपको पता चलेगा। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 1। फ्रेंड्स, आप लोगों से रिक्वेस्ट है, अगर आप चैनल को पहली बार विजिट कर रहे हैं तो हमारे चैनल डायनेमिक नॉलेज गुरु को रेड कलर के सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करके सब्सक्राइब करें, और पास में एक बेल आइकन है, बेल आइकन को दबाने से आपको बहुत फायदा होगा। बेल आइकन को दबा दें, इससे जो भी मैं नई वीडियो डालूंगा उसका नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच जाएगा। क्वेश्चन नंबर 1 क्या है, पंक्ति 3 में डी और ए के बीच में कौन सा अक्षर आता है। तो पंक्ति 3 ये है, ये वाली, और पंक्ति 3 में क्या है कि डी और ए के बीच में, तो डी और ए के बीच में कौन सा अक्षर आता है, तो ई आता है, ठीक है, सिंपल है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, स्तंभ 4 में कौन सा अक्षर कम बार आया है। स्तंभ 4 ये वाला है, कौन सा कम बार आया, डी देखो 2 बार आया है, ई भी 2 बार आया, सी 1 ही बार आया, तो इसका हो जाएगा सी, ठीक है। उसके बाद हम देखते हैं थर्ड वाला, थर्ड में क्या है, स्तंभ 2 और 4 को उल्टे क्रम में लिखने पर कौन सा अक्षर में कोई परिवर्तन नहीं आएगा। तो 2 वाला ये है और 4 वाला ये है, उसे उल्टा लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, ए डी ई और सी सी, ठीक है। 4 वाले में क्या करेंगे, 4 वाले में लिखेंगे तो डी सी ई डी और ई। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे हम देख सकते हैं कि क्वेश्चन में हमसे पूछा कि स्तंभ 2 और 4 को उल्टे क्रम में लिखने पर कौन से अक्षर में कोई परिवर्तन नहीं आया, तो आप देख सकते हैं कि ई में कोई परिवर्तन नहीं आया, ठीक है फ्रेंड। तो यहाँ पे हम लोग ऐसे भी आइडिया लगा सकते थे, इसको करने की ज़रूरत नहीं थी, क्योंकि ये मतलब बीच में था और यहाँ पर भी ये बीच में था, तो कैसा भी क्रम कर दो
तो ये हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड, तो यहाँ पे देखते हैं कि चौथा क्वेश्चन है, देखो काफ़ी लंबा क्वेश्चन है इसलिए हम इस पर ध्यान नहीं देंगे, देंगे हम बाद में देंगे, इससे पहले हम बाकी क्वेश्चन करेंगे, ऐसा हम एग्ज़ाम में करेंगे। ठीक है, यहाँ पे तो हम लोग कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन एग्ज़ाम में यहाँ पे आप देख सकते हो कि जैसे कि ये क्वेश्चन कितने लेंदी हैं और नीचे के क्वेश्चन कितने ज़्यादा छोटे हैं। तो गलतियाँ क्या होती हैं, हम लोग इन क्वेश्चनों पर ज़्यादा टाइम वेस्ट कर देते हैं और पता चलता है कि ऊपर के दो क्वेश्चन या तीन क्वेश्चन हो जाते हैं और इन तीन क्वेश्चनों को करते हैं तो इनमें से दो गलत हो जाते हैं, तो पता चलता है कि चार ही सही होते हैं। ऊपर से अगर ऊपर वालों में से कोई गलत कर दिया तब तो तीन ही सही होंगे और आपके नंबर 30% रह जाएंगे, अगर चार भी सही होंगे तो 40 रह जाएंगे और आप डिस्क्वालीफाइड हो जाएंगे। तो ऐसा नहीं करना है, हमें बहुत स्मार्ट तरीके से देखना है। चलो हम वैसी हैबिट बनाते हैं कि हमें बड़े क्वेश्चनों को बाद में करना। तो फ्रेंड्स देखते हैं, अब सेवन क्वेश्चन देखते हैं कि पूरी तालिका के मध्य अक्षर के चारों इर्द गिर्द सबसे कम बार कौन सा अक्षर आया है। तो पूरी तालिका के मध्य में कौन सा अंक होगा, तो मध्य में कौन सा अक्षर होगा, तो ये वाला होगा ई, और इसके इर्द गिर्द क्या क्या है, सी है, डी है, ई है, और यहाँ पे ये ई है, और यहाँ पे ये ई है, यहाँ पे ये है, नहीं नहीं ये वाला नहीं है, तो टिक लगाते हैं यहाँ पे, जैसे ये है, ये है, ये है, ये है, ये है। ठीक है, तो सबसे कम बार कौन सा है और इर्द गिर्द में ये 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 ये। ठीक है, तो ये तो इसके इर्द गिर्द में हो गए, तो इसमें सबसे कम बार क्या चीज़ है, देखो ई तो चार बार आ रहा है, ठीक है, ई चार बार आ रहा है और सी तीन बार आ रहा है, और जो डी है, डी कितनी बार आ रहा है, दो बार आ रहा है, तो सबसे कम बार कौन सा हो गया, इसका आंसर हो जाएगा दो, मतलब डी, डी सबसे कम बार आ रहा है तो डी आंसर हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड, तो इसके बाद हम देखते हैं एट्थ क्वेश्चन, पंक्ति एक के विकर्ण के तीसरे अक्षर के सबसे नीचे अक्षर कौन सा है। पंक्ति एक के विकर्ण, तो पंक्ति ये है एक और इसके विकर्ण की बात होगी तो ये विकर्ण हो गया इसका। ठीक है, तो पंक्ति एक के विकर्ण के तीसरे अक्षर के सामने, तीसरे अक्षर के सामने, तो तीसरा कौन सा है, एक दो तीन, तीसरा ये है, तीसरे अक्षर के सामने सबसे नीचे अक्षर कौन सा होगा, तो सबसे नीचे कौन सा है, सी, तो फ्रेंड्स लास्ट वाले का हो जाएगा सी। उसके बाद देखते हैं नाइन्थ क्वेश्चन क्या है, लास्ट के क्वेश्चन बहुत ईजी हैं इसलिए हम पहले कर रहे हैं। स्तंभ थ्री के नीचे अक्षर के तो स्तंभ थ्री को भी देख लो, तो स्तंभ थ्री तो यहाँ पे यही होगा, हमें दिख रहा है कि फर्स्ट सेकंड थर्ड ये वाला होगा। स्तंभ थ्री के नीचे चौथा अक्षर, तो नीचे चौथा अक्षर कौन सा होगा, ये वाला होगा। चौथा अक्षर के बाएं पहला अक्षर कौन सा होगा, तो बाएं मतलब कि लेफ्ट, तो लेफ्ट कौन सा होगा, डी होगा। ठीक है, यहाँ पे बायां मतलब ये अपने अकॉर्डिंग बायां देखना है, टेबल के अकॉर्डिंग नहीं, कि आप टेबल मतलब जो आपकी ये टेबल बनी हुई है इसको आप देख रहे हो तो आपका मतलब बायां कौन सा हुआ, ये हुआ, और दायां कौन सा हुआ, ये हुआ। ठीक है, नहीं तो राइट लेफ्ट देख लोगे तो राइट क्या हो गया, ये हो गया, और लेफ्ट क्या हो गया, यहाँ पे हो गया। तो ऐसी छोटी छोटी गलती नहीं करनी है। फिर से एक बार क्वेश्चन को देख लेते हैं। स्तंभ थ्री के नीचे चौथा अक्षर के, तो थ्री कौन सा है, ये है, चौथा अक्षर के, चौथा अक्षर ये है, के बाएं पहला अक्षर कौन सा है, तो बाएं कौन सा है, ये डी। ठीक है, तो नाइन्थ का हो जाएगा डी। लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, पंक्ति फाइव में कौन सा अक्षर अधिक बार आया। देखो कितना ईजी क्वेश्चन, कौन सा अधिक बार, कौन सा पंक्ति पाँच में कौन सा अक्षर अधिक बार आया, तो पंक्ति पाँच ही अधिक बार कौन सा है, देख लीजिए ए। ठीक है फ्रेंड, तो हमने बड़े कम टाइम में ये तीन और तीन सात क्वेश्चन कर दिए। ठीक है, तो सात क्वेश्चन का मतलब है कि 70% हमने कर दिया। अब इसके बाद देखते हैं बाकी के क्वेश्चन जो थोड़े लेंदी हैं। चलिए देखते हैं सिक्स्थ वाला क्वेश्चन, पंक्ति फाइव के बाएं से दाएं कोने तक चलें, तो पंक्ति फाइव यह है, बाएं से दाएं कोने तक चलें, तो बाएं से दाएं कोने तक चलें, फिर ऊपर पंक्ति एक पर पहुँचें। ये छोटे छोटे शब्द आपको याद रखने हैं, ऊपर, नहीं तो पंक्ति एक तक पहुँचने के लिए आप कह दोगे कि हम ये ऐसे डायगोनल पहुँच जाएं, नहीं ऊपर बोल रहा है इसलिए हमें क्या है, ये
ऊपर पंक्ति एक तक पहुँचे, तो मतलब यहाँ तक एक पंक्ति तक आ गए, देखो यहाँ तक आ गए, एक पंक्ति है ये वाली। उसके बाद में देखते हैं एक तक पहुँचे तथा विकर्णवत चलें जहाँ से चले थे, त्रिभुज का निर्माण करें तो सबसे ज़्यादा बार कौन सा अक्षर आएगा। तो मतलब हमें यहाँ से ये चलना है, यहाँ से ये चलना है, फिर अपनी जगह पे ही आ जाना, तो ये विकर्णवत ऐसे करके ये ऐसे आ जाना है, ठीक है। तो हमसे चलो इसमें तो अक्षर कट गए, फिर से कर लेते हैं, यहाँ से इस तरीके से ऐसे चलेंगे और ये ऐसे ऐसे आ जाएंगे, ठीक है। तो हमें बताना है कि सबसे ज़्यादा बार कौन सा अक्षर आया है, ठीक है। तो सबसे पहले तो यहीं से चले थे, ठीक है, कितनी बार ए दिख रहा है, तो ए ही इसका आंसर होगा, नहीं तो देख लो फिर से कि यहाँ पे ए के ये है, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, पांच बार तो ए आ गया, तो ए ही इसका आंसर हो जाएगा, और इतनी बार कोई आया ही नहीं, ठीक है फ्रेंड। तो ये क्वेश्चन बड़े आराम से कर देंगे, सिक्स वाला भी हो गया। चलो फिफ्थ वाला देखते हैं, पंक्ति एक के दाएं से शुरू करते हुए पंक्ति एक के बाएं कोने तक आएं, पंक्ति एक के दाएं से शुरू करते हुए पंक्ति एक के बाएं तक आएं, मतलब पंक्ति एक के दाएं से शुरू करते हुए पंक्ति एक के बाएं कोने तक आएं, पुनः नीचे बढ़ते हुए पंक्ति पाँच के दाएं कोने तक पहुँचें। दाएं कोने बता रहा है, बाएं नहीं बता रहा है, तो मतलब ये इस तरीके से जाना ऐसे। आगे देखो, पंक्ति पाँच के दाएं कोने तक पहुँचें तो दूसरा ए और दूसरा बी के बीच में अक्षर कौन सा होगा, ठीक है। तो हमें बताना कि इनके बीच में, तो यहाँ पे देखते हैं कि दूसरा ए और दूसरा बी कहाँ पे आ रहा है। तो यहाँ पे देखो, पहला ए तो ये रहा, और यहाँ पे फ्रेंड जब हम लोग यहाँ पे आके डायगोनल जाएंगे तो ये ऐसे जाएंगे, ये जाएंगे, तो यहाँ पे इस वाले ए से हमें कांटेक्ट नहीं होगा, ठीक है। ये डायगोनल मतलब विकर्णवत जाएंगे, तो यहाँ से ए पहला ये हो गया, दूसरा और पहला बी ये वाला हो गया, और इसके बाद दूसरा बी तो ये हो गया, ठीक है। तो इसमें दूसरा ए है ही नहीं, तो फ्रेंड ऐसा होगा कि जैसे कि अब से पहले जो मतलब पेपर पे भरने के लिए आता था, तो उसमें ये ऑप्शन होते थे ए बी सी डी ई और एक एफ होता था, तो ऐसे गोले होते थे, और यहाँ पे ये होता था ए बी सी डी ई, तो इसमें दिया गया हमें टेबल में, अगर ये होती हैं इनमें से कोई ऑप्शन होता है तो हम उसमें क्या करेंगे, वो वाला ऑप्शन भर देंगे, ठीक है, और अगर इनमें से कोई नहीं होता है तो एफ वाला भर दें। तो ये भी क्वेश्चन वैसा ही है, और ये क्वेश्चन यहाँ पे इन्होंने इसलिए दिया है ताकि क्या है कि कन्फ्यूजन हो जाए, और मतलब जो स्टूडेंट है वो इसी में फंसा रहे, दो से चार बार क्वेश्चन पढ़े, तो इसलिए हमें ऐसी गलती नहीं करनी है, हमें ऐसे क्वेश्चन बाद में करने हैं, ठीक है फ्रेंड। पहली बार तो एफ का ऑप्शन होगा, तो एफ का ऑप्शन लगा के आगे बढ़ जाएं। चलिए फ्रेंड, सबसे बड़ा क्वेश्चन है फोर्थ, इस पे देखते हैं। हाँ तो फ्रेंड, अब हम सबसे बड़े वाले क्वेश्चन पे देखते हैं, फोर्थ क्वेश्चन क्या है, नीचे बाएं कोने से शुरू करते हुए ऊपर बाएं कोने पर पहुँचें, तो नीचे बाया कोना कौन सा है, ये वाला है, ऊपर बाएं कोने तक पहुँचे मतलब यहाँ पे पहुँचना है, ठीक है। फिर दाएं पहला अक्षर, दाया मतलब इस साइड में, दाया पहला अक्षर से नीचे जाएं, तो मतलब दाया पहला अक्षर कौन सा है, ये वाला है, इससे नीचे जाएं, यहाँ पे आने को बोला है, ठीक है, नीचे जाएं, फिर ऊपर आएं, यह क्रम जारी करते हुए स्तंभ पाँच के ऊपर पहुँचें, तो स्तंभ पाँच ये है, स्तंभ पाँच के ऊपर पहुँचना मतलब यहाँ पर पहुँचना है, ठीक है। तो कौन सा अक्षर ज़्यादा बार आया है, ठीक है। तो फ्रेंड्स हमें देखना है, हमने फिर से क्वेश्चन एक बार पढ़ दें, नीचे बाएं कोने से शुरू करते हुए ऊपर बाएं कोने पर पहुँचे मतलब यहाँ से यहाँ तक पहुँचे, फिर दाएं पहले अक्षर से नीचे जाएं, फिर दाएं पहले अक्षर से नीचे जाएं, तो पहला अक्षर तो ये है लेकिन हमें यहाँ नहीं जाना है, हमें क्या करना है, इससे नीचे आएं, फिर ऊपर आएं, यह क्रम जारी रखते हुए स्तंभ पाँच के ऊपर पहुँचें, यहाँ से फिर ऐसे जाना है, फिर नीचे आना है, फिर यहाँ आना है। तो फ्रेंड्स अब इस तरीके से ये हमसे पूछ रहा है कि तो सबसे ज़्यादा बार कौन सा अक्षर आया है। तो फ्रेंड्स देखो, यहाँ पे ए एक बार, दो बार, और इसके बाद और ए, ये यहाँ तक तो आना है, तो ये तो ए नहीं कंसीडर किया जाएगा, तो ए कितनी बार आ गया, दो बार। उसके बाद देखते हैं बी,
बी यहाँ पे है, यहाँ पे, इसके बाद कहीं पे नहीं है। बी भी कितना आ गया, दो बार। उसके बाद और क्या है, और डी, एक बार डी ये है, दूसरा ये है और तीसरा ये है, तो सबसे ज़्यादा बार क्या आ गया, डी आ गया है। तो इसका आंसर हो जाएगा डी। ऐसा नहीं है, आप लोग ये क्वेश्चन हो सकता है पहले ही अटैम्प्ट में कर देते, लेकिन मैं आपको यही कहूँगा कि मतलब रिस्क नहीं लेना है। सबसे पहले देखो कितने छोटे छोटे क्वेश्चन यहाँ पे थे, ये वाले क्वेश्चन पहले अटैम्प्ट करने, सबसे पहले क्वेश्चन देख लो कितने छोटे छोटे वो वाले हैं, जैसे ये तीन हैं, ये चार, सात क्वेश्चन हो गए, 70% मार्क्स हो गए बहुत जल्दी में। उसके बाद में जो बचते हैं तीन क्वेश्चन, उसके बाद में कर लो, निगेटिव मार्किंग है नहीं, तो इससे आसानी से आप लगभग 80-90% मतलब इसमें स्कोर कर सकते हैं। बाकी की मैं और प्रैक्टिस कराऊंगा फ्रेंड्स, और इस वाली फाइल का मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दिया, आप लोग वहाँ से डाउनलोड कर लें और प्रैक्टिस करते रहें। और दोस्तों अगर आप लोग हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, और वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर करें, क्योंकि वीडियो जब आप लाइक करते हो तो मुझे भी मोटिवेशन मिलता है कि मेरे वीडियो का अच्छा रिस्पॉन्स आ रहा है। तो वीडियो लाइक करना ना भूलें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक।